नमस्कार दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे का मार्केट कैसा गया और हमारा प्रेडिक्शन क्या था। फ्राइडे का मार्केट आप सभी ने देखा, मार्केट पूरा नीचे गया। वैसे गिव अप के साथ ओपनिंग हुई थी, फिर भी रीएनालाइज किया हमने और मार्केट नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, उसके हिसाब से हमने ट्रेड की और उसके हिसाब से ही हमने प्रॉफिट कमाया। मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं अपना P&L और जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो सब वहाँ अपडेट करता हूँ, मेरी ट्रेड्स और क्यों पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पोजीशन बना रहा हूँ, कौन से स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। और अगर आपको नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन भी देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सारी फाइल्स अवेलेबल है। और अगर आपको डाउनलोड करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हूँ, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो फाइल 5 मिनट्स में अपडेट होती रहती है, अगर कुछ डेटा नहीं आता है तो आपको फिर से रीडाउनलोड करना है उस फाइल को। वेल, ये तो हो गया हमारा फ्राइडे का। अभी मंडे को क्या होने वाला है मार्केट में, मैं जब डेटा एनालाइज कर रहा था तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है। बैंक निफ्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बैंक निफ्टी अभी भी बीरिश है बट उतना बीरिश सिग्नल नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए। चलो, एनालिसिस हो गया, उसका फाइल भी लिंक में है। अभी चलते हैं और एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं हम, जो न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए है, वो है लॉन्ग कॉल लैडर। वेल, इसमें हम सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा या फिर वो थोड़ा सा ही मूव करेगा, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स से फर्स्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसके पॉइंट्स देखेंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, फिर भी इसको अप्लाई कौन करेगा? वेल, करेंगे अप्लाई, क्योंकि इसमें जो जोन बचता है वो काफ़ी अच्छा जोन है। वैसे इसको देख लेंगे थोड़ा और, इसमें कुछ पोजीशन आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर खाली एक एग्जांपल के लिए वो चीज़ें बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप उसको अच्छे से मॉडिफाई करके और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज योर कॉल। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमको पता है कि थोड़ा सा मूवमेंट होगा किसी अंडरलाइंग एसेट में तो हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं, इसके अदर पॉइंट्स लाइक ब्रेक इवन पॉइंट्स, अपर ब्रेक इवन पॉइंट्स, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। हम एक इन द मनी कॉल बाय कर रहे हैं, एक एट द मनी सेल कर रहे हैं और एक और आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हैं। जनरली 3 पोजीशन बना रहे हैं, डीप इन द मनी जो एट द मनी से भी अंदर है उसको हम बाय कर रहे हैं, एट द मनी सेल कर रहे हैं और आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हैं। वेल, ये पोजीशन की जो लोकेशन होती है, मतलब आप 100 पॉइंट्स के गैप पे बनाएंगे, 200 पॉइंट्स के गैप पे बनाएंगे, ये आपका जो ग्राफ में अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट रहता है उसको पूरा चेंज कर देगा, और कभी कभी आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा हर केसेस में नहीं होगा कि आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाए। इस केस में अगर आप 200 और 300 पॉइंट्स का गैप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिलेगा। वेल, इसको हम थोड़ा और आगे जाके देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि अपर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा। टोटल शॉर्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सम कर लीजिए, उसमें से माइनस कर लीजिए लॉन्ग का स्ट्राइक प्राइस, देन यू हैव टू माइनस द नेट प्रीमियम पेड। और अगर आप लोअर ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग कॉल देन प्लस नेट प्रीमियम पेड। वेल, ये जो यहाँ पर है नोटेशन, ये ऑलरेडी साइन के साथ लिखा हूँ, बट मैं अलग से साइन लेता हूँ तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। रिस्क यहाँ पर लिमिटेड होता है। अभी देखते हैं, अगर हम निफ्टी के लिए पोजीशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी एंड हुआ है 13634.6 पे। एट द मनी आप देखेंगे तो वो है 13650। अभी उससे भी थोड़ा अंदर की तरफ ले लेते हैं, जहाँ पर हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो 13450 ले लेते, 200 पॉइंट्स नीचे। उसका जो प्रीमियम हम पे करेंगे वो होगा 355.6 रुपये 13450 पे। उसको हम बाय करेंगे, फिर 13650 जो एट द मनी है उसको हम सेल करेंगे। तो एक बाइंग है, दो सेलिंग पोजीशन है, एक 13650, एक 13850। यहाँ मैं 200 पॉइंट का गैप लिया हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ था वो आपको शो करने के लिए चाहिए था कहाँ पर अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आ गया, दो जो शॉर्ट कॉल है उसको ऐड कीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए लॉन्ग कॉल की स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, और बाद में उसमें से माइनस कर दीजिए नेट प्रीमियम पेड। ऐसे ही लोअर ब्रेक इवन पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्राइक प्राइस जो है लॉन्ग कॉल का वो लेना है प्लस नेट प्रीमियम पेड को ऐड करना है। और हमको जो नेट प्रीमियम मिला है इस केस में होगा 17.9। और यहाँ पर मैं करंट मार्केट एग्जांपल सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि आप समझ सके कि मार्केट में क्या हो रहा है। चलो, अब इसका पे ऑफ शेड्यूल देख लेते हैं। अगर आप इसका पे ऑफ शेड्यूल देखेंगे तो इसमें हम टोटल मिला के
तीन जगह पोजीशन बना रहे हैं, तो तीन कॉलम को हमको डिस्कस करना है। जो पोजीशन बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ बना रहे हैं, एक 13,450 पे हम बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं इसलिए माइनस लिखा है, 13,650 पे सेल कर रहे हैं इसलिए 233 प्लस में लिखा है, एक और पोजीशन हम बना रहे हैं 140.5 यहाँ पर 13,850 पे। ये तीन पोजीशन हमने बनाई हैं, एक बाइंग है बाकी दोनों सेलिंग है। तो कॉल साइड में अगर बाइंग है तो मार्केट ऊपर जाता है 13,450 से ऊपर, तो इसमें आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। जैसे मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया आपको यहाँ पर 50 पॉइंट ऐड कर देना है, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है एक्सपायरी पे, तो इसीलिए आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज होता है तो आपने जो भी प्रीमियम भरा है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा एंड यू विल बी लूजिंग ऑल ऑफ दैट प्रीमियम, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी हुआ तो उसको जीरो होना ही है। अभी देखते हैं सेकेंड पोजीशन जो हमने बनाई 13,650 पे, उसको देख लेते हैं। अगर मार्केट नीचे गया तो ये आउट ऑफ द मनी रहेगा, फिर हमारा पूरा पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर मार्केट उसकी जगह ऊपर गया, इन द मनी लिया, तो मार्केट जैसे 50 पॉइंट ऊपर जाएगा हमको 50 पॉइंट का लॉस होगा। ऐसे ही लॉस कैलकुलेटर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हूँ सेकेंड कॉलम का। थर्ड पोजीशन में भी सेम है, 140.5 का प्रीमियम रिसीव हुआ था, अगर मार्केट इसको आउट ऑफ द मनी रखता है डेफिनेटली हमको 140.5 पॉइंट्स जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसमें लॉस होना चालू हो जाएगा, जैसे मार्केट 50 पॉइंट बढ़ता है आपको 50 पॉइंट इसमें से माइनस कर लेना है और नेट पे ऑफ के लिए कुछ नहीं करना है। इन तीनों कॉलम को आप सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, मैं साइन पहले ही डाल दिया हूँ, जो प्रीमियम पे करता हूँ उसको मैं नेगेटिव में लिखता हूँ। और अभी इसका एक पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे मैं जनरली जो लेता हूँ अभी भी वही लिया हूँ स्ट्राइक प्राइस, और वाई एक्सिस पे मैं नेट पे ऑफ लिया हूँ। जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसा कि मैं बता रहा था कि लोअर ब्रेक इवन पॉइंट हर एक केस में नहीं मिलता। यहाँ पर भी देखिए ये एग्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा है, बट आइडियल केस में आप देखेंगे तो ये जीरो होता है इन थ्योरी, बट प्रैक्टिकल केस में हो सकता है वो जीरो हो नहीं भी हो, बट यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटजी आप क्यों अप्लाई करें, अगर आपको पता है कि मार्केट अभी कहाँ है, अभी कुछ यहाँ पर है, एट द मनी पोजिशन बनाई हमने तो मार्केट यहाँ पर है, आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जाएगा, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी कि नहीं रहेगी अभी के मार्केट के लिए? क्योंकि क्या, अगर ऊपर जाता है तो आपको तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर नीचे भी जाता है तो आपको 17.9 का जो है उतना तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।